आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से काफी साल पहले हमारे गांव में एक कच्चा रास्ता हुआ करता था। वो रास्ता एक तरफ से जंगलों से तो दूसरी तरफ से रेल की पटरियों से घिरा हुआ था। गांव वाले रात तो दूर दिन को भी उस रास्ते से आना जाना नहीं करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है और वो आत्माएं लोगों को देखकर उन पर हमला कर देती हैं। मगर एक सच ये भी था कि उस रास्ते पर कभी कभी आने जाने वाले लोगों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती थीं, जिस कारण उन लोगों का भी यही कहना था कि ये रास्ता शापित हो चुका है। लेकिन इन सब बातों को मैं नहीं मानता था। असल में लोगों का कहना था कि जब नई नई इस गांव में ट्रेन चलनी शुरू हुई थी तो आए दिन इस रेल पटरी पर एक्सीडेंट होता ही रहता था और उन्हीं मरने वालों की आत्मा आज भी भटकती है। खैर, उस समय मैं अपने गांव में पिताजी और भैया के साथ खेती किया करता था। उस समय हमारा ही परिवार नहीं बल्कि सभी परिवार खेती किया करते थे। एक शाम जब हम तीनों खेत से घर लौटे तो वक्त हो रहा था शाम के 6 बजे का। खेत से वापस लौटकर अभी हम आराम कर ही रहे थे कि तभी अचानक पिताजी के पेट में काफी तेज दर्द शुरू हो गया। तो अचानक पेट में दर्द होने से हम काफी चिंता में पड़ गए कि हुआ तो हुआ क्या। कुछ देर तक तो उन्होंने दर्द को बर्दाश्त किया, मगर 1 घंटे बाद जब उनका दर्द काफी बढ़ गया तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे हम और भी ज्यादा चिंता में पड़ गए। पिताजी की हालत बिगड़ता देख हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कि तभी मैंने अपने भैया से कहा, भैया आप पिताजी के पास रुकिए, मैं वैद्य जी के पास जाकर दवा लेकर आता हूँ। इस पर भैया ने कहा, अच्छा ठीक है अनूप, तू जा मगर जल्दी आना। जिसके बाद मैंने अपना साइकिल निकाला और वैद्य जी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वैद्य जी का घर हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में था, तो मुझे वहां पहुंचने में करीबन 1 घंटे का समय लगेगा। तो मैंने अपने साइकिल चलाने की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। उस वक्त रात के 7:30 बजते ही हमारा गांव काफी सुनसान हो गया था। उस समय हमारे गांव में बिजली की सुविधा ना होने के कारण लोग अंधेरा हो जाने के बाद अपने घरों से नहीं निकलते थे, जिस कारण सारा गांव वीरान सा लग रहा था। घर के बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरा इतना घना था कि मुझे सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो घने अंधेरे को देखकर मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। दूसरे गांव वैद्य जी के घर जाने के लिए हमारे गांव से 2 रास्ते थे, एक काफी लंबा रास्ता तो दूसरा रेल पटरियों के किनारे से शापित रास्ता। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, लंबे वाले रास्ते से जाऊंगा तो काफी देर हो जाएगी, तो मैं रेल पटरी के किनारे वाले रास्ते से ही चला जाता हूँ, और वैसे भी मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलकर मैंने साइकिल को उस रास्ते पर मोड़ लिया तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान था। खैर, मैंने किसी तरह उस रास्ते को पार किया और दूसरे गांव वैद्य जी के घर गया, जिसके बाद मैंने वैद्य जी को पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे दवा देते हुए कहा, ये लो दवा और जल्दी जाकर अपने पिताजी को खिला दो। जिसके बाद मैंने दवा लिया और साइकिल लेकर वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफी हो चुकी थी, जिस कारण पूरा माहौल वीरान सा हो गया था। दूर दूर तक रास्ते पर मुझे मेरे अलावा इंसान तो दूर कोई जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, मैं वहां खड़े होकर और समय जाया ना करके साइकिल को रफ्तार से चलाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते वक्त बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मुझे उस पटरी वाले रास्ते को पार करना है,
और ये सोच सोच कर मुझे थोड़ी थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी। मगर मुझे अपनी पिताजी को जल्दी से दवा भी देनी थी, जिस कारण मैंने साइकिल को दोबारा से उसी रेल पटरी वाले शापित रास्ते की तरफ ले लिया। वो शापित रास्ता और भी ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद भी रास्ते के किनारे घने जंगलों में छुप सा गया था, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं आ पा रही थी। सन्नाटा तो इतना फैला हुआ था कि उस रास्ते पर रात कीड़ों की आवाजें नहीं आ रही थी। रास्ते पर काफी सन्नाटा होने के कारण मेरे साइकिल चलाने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे सामने अचानक एक पेड़ की डाली टूटकर गिरी, जिससे मैं एकदम से चौंक गया और ब्रेक दबाकर अपनी साइकिल को वहीं रोक लिया। लेकिन वो पेड़ की डाली इतनी बड़ी थी कि उसने पूरा रास्ता घेर लिया। मगर ये पेड़ की डाली गिरी तो गिरी कैसे, अभी ना हवा चल रही है और ना ही बारिश हो रही है। ये सोचकर मैं काफी हैरान हो गया। लेकिन मुझे घर जल्दी जाना था, तो मैंने किसी तरह अपनी साइकिल को उस डाली के ऊपर से पार किया और वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर मुझे कहां पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और ये पेड़ की डाली मुझे आगे ना जाने की चेतावनी दे रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी साइकिल किसी चीज के ऊपर चढ़ गई, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। मैं इतनी तेज गिरा था कि मुझे काफी चोट आई, फिर भी मैं किसी तरह से उठा और ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि आखिर मेरी साइकिल किसके ऊपर चढ़ गई थी। तो पीछे मुड़ते ही पीछे का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जमीन पर काफी इंसानी शरीर के कटे हुए टुकड़े गिरे हुए थे। ये देखकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, आखिर ये कैसे हो सकता है। मगर मुझे इतना तो समझ आ ही गया था कि अगर मैं यहां रुका तो ज्यादा देर तक बच नहीं पाऊंगा। ये सोचकर अभी मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो शरीर के कटे हुए टुकड़े आपस में जुड़ने लगे हैं। धीरे धीरे वो सारे टुकड़े जुड़कर एक आधा कटा हुआ शरीर बन गए, जिसका सिर्फ कमर से लेकर ऊपर तक का ही हिस्सा नजर आ रहा था। उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखने के बाद मैंने ना आओ देखा ना ताओ अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भागने लगा। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं किधर भाग रहा हूँ, बस मैं भागे जा रहा था। भागते भागते मुझे रास्ते के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। मुझे लगा कि अगर अपनी जान बचानी है तो उस झोपड़ी की तरफ भागना पड़ेगा, वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। लिहाजा मैं भागकर उस झोपड़ी के दरवाजे पर गया। मैं जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी थी, इसलिए मैं झोपड़ी के अंदर घुस गया। अभी मैं झोपड़ी के अंदर घुसा ही था कि तभी मैंने देखा कि कोई आदमी पीछे की तरफ मुंह करके चादर ओढ़े खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उस आदमी ने एकदम से अपना चादर हटा दिया। तो फिर एक बार मेरी रूह कांप गई, क्योंकि ये वही कटा हुआ आदमी था जिसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, जो दौड़ लगाई सीधे घर जाकर ही रुका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।